तो मेरे सामने से गुजरेगा। मैं चूंकि पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ तो मेरे सामने से गुजरेगा। मैं चूंकि पद प्रतिष्ठा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ बैठना विधायक जी जाइए। हाँ हाँ ठीक है बोल के चले आले आप। एक बार दो बार तीन बार मेरे को बहुत दुख लगा। हम सोचे पिछले बार उनको हम ये बता देना चाहेंगे। हम बोले भी थे यहाँ पर जिसको बहुत सारे बूथ के कार्यकर्ता प्रभारी लोग जान रहे हैं। तीनों ब्लॉक में दुलदुला से माने 1500, कुनकुनी ब्लॉक से माने 3500, 4293 बूथ के वोटर से वो विजय हासिल किया था जिसको हम सभी लोगों ने उनको दिया था। इस बार दोबारा गलती नहीं करिएगा। सिर्फ आप लोगों से मैं निवेदन यही करूंगा कि जो हो गया हो गया, अब गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये क्या बोलते हैं बता दे रहा हूं। एक ईसाई भाई है ईसाई साले कहां जाएंगे? ये तो मेरे मधुआ मजदूर है। ये सब बोल करके हम लोग का अपमानित करते हैं। ये शोभा देता है किसी को किसी भी मजहब में? ये शोभा नहीं देता। इसके विरोध में हम भी बोले आप हम लोग सब संगठित होकर के प्राण लेंगे, यहाँ से संकल्प लेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करे। इन सब चीजों के लिए आप लोग कमर कसिए और ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए। तीसरी चीज और बता दे रहा अभी ही आप लोग यहाँ लगभग कितने होंगे? 1000 मान लीजिए। सभी लोग के पास में एक एक गांव आदिवासी क्रिश्चियन दोस्त होंगे होंगे या नहीं होंगे बता दीजिए। यस अब आप एक एक आदमी को पकड़े चाहे महिला हो चाहे पुरुष और उनको बोले बाबू चल चल तो हमें जाओ आपकी गड्डी गड्डी बदलो। ये चीज बोलना है और यही आपके मन दिल रख करके अभी संकल्प लेकर के जाइए। और कल से अभी से हम तो कहूंगा आप एक एक साथी बनाइए। 1000 है तो वो 1000 बनाएंगे 2000 होगा और उस 2000 को फिर बोलेंगे चल रे पूरा मन के कटी जा देखो क्रिश्चियन कौन कौन जाते हैं यूडी के कौन कौन विरोधी हैं। इन सबको भी अपना ग्रुप पे बांधिए। एक का दो हो गया, दो का चार होगा, चार का पांच होगा और एक चीज का 274 बूथ है हमारा। इस चीज को इसको आप ध्यान में रखिए। 200 बूथ में ईसाई आदिवासी लोग हैं। मैं वर्कआउट कर चुका हूँ उसमें कुछ मत करिए। सिर्फ 5 से लेकर के 50 से लेकर के 100 आदिवासी ईसाई समुदाय लोगों को आप जोड़िए। वो जो है ना 200 में 20,000 एकदम सॉलिड बिना कहीं तैयार हो जाएंगे। आप लोगों की दोस्ती यारी इसको बरकरार करा। मैं इतना ही कह कर क्योंकि मैं यहाँ पर जो फॉरेस्ट भी रहा आप सब लोग जानते हैं और आप लोग साथ में बहुत काम भी किया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बातें कहने के लिए हैं लेकिन चूंकि हमारे मुख्य लोग हैं उनके लिए उनके बातों को उनका मार्गदर्शन हम चाहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगा कि इस बार एक कदम आगे बढ़िए, एक कदम ईसाई समुदाय में भी आएंगे और दोनों हाथ से ताली बजेगी निश्चित रूप से बजाएंगे हम लोग। ये संकल्प करिए और मैं कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।